हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम वंदना शर्मा फ्रॉम जीसी स्कूल। आज हम क्लास फिफ्थ में सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर में चैप्टर नंबर 9 क्यूरियस टाउन के क्वेश्चन आंसर राइट कराएंगे। कल हमने आपको इसके वर्ड मीनिंग कंप्लीट करा दिए थे, उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इसके आपको आज क्वेश्चन आंसर राइट कराएंगे, जिनको आपको अपनी नोटबुक में सुंदर और साफ हैंडराइटिंग में राइट करना है और फिर लर्न भी करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम टू एनिमल्स, नेम टू एनिमल्स मेंशन इन द पोइम। मेंशन इन द पोइम। कविता में उल्लेख किए गए किन्हीं दो जानवरों के नाम लिख जानवरों के नाम बताइए। कविता में उल्लेख दो जानवरों के नाम बताइए। तो वो है, कविता में कौन कौन से दो जानवरों के बारे में बताया गया है? डॉग एंड कैट। यानी डॉग को क्या कहते हैं? पप्पी भी कहा गया है। इसमें कहा गया है कविता में, एंड कैट यानी किचन। बिल्ली डॉग का बच्चा यानी डॉग का पिल्ला और कैट का किचन। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट फ्लो इन द रिवर इन द व्हाट फ्लो इन द रिवर इन द रिवर इन द क्यूरियस टाउन। क्यूरियस अजीब शहर की नदी में क्या बहता है? तो क्या बहता है? आंसर इज फायर फ्लो इन द रिवर इन द क्यूरियस टाउन। अजीब शहर की नदी में आग बहती है। क्या बहता है? आग बहती है। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी डेज आर देयर, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक। In a week, in the poem, कविता में हफ्ते में कितने दिन बताए गए हैं? तो आंसर इज there are 2 days। There are 2 days in a week. Week in the poem. कविता में हफ्ते में 2 दिन बताए गए हैं। कितने दिन बताए गए हैं? 2 दिन। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट शुड डज
साउंड. व्हाट साउंड डज द पपी डज द पपी मेक इन द पोएम. कविता में कुत्ते का बच्चा कैसी आवाज निकालता है? आंसर इज द पपी इन द म्याउस इन द पोएम. कविता में कुत्ते का बच्चा म्याओ की आवाज निकालता है, यानी जैसी आवाज बिल्ली निकालती है वैसे ही कुत्ते का बच्चा निकालता है. अब है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द पोएट नेम द पोएट ऑफ द पोएम. क्यूरियस टर्म. क्यूरियस टर्म. क्यूरियस टर्म के कवि का नाम बताइए. तो आंसर इज कवि का क्या नाम है, इस कविता के कवि का नाम क्या है? हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय. हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय. हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय कवि का नाम है हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय. तो आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चनों के आंसर हम आपको राइट कराएंगे, बाकी के अगली वीडियोस में. टुडेज होमवर्क है आपका, डू क्लास वर्क इन नोटबुक. टुडेज होमवर्क, डू क्लास वर्क इन नोटबुक. आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो. थैंक यू.